पश्चिम बंगाल तृणमूल कंग्रेस सरकारले दार्जिलिङ सांसद राजु विष्टप्रति लकडाउनको समय राजनीति गरेको आरोप लगाएकी छन् भनेर आज दार्जिलिङ सांसद राजु विष्टले एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। आफ्नो संसदीय क्षेत्रभित्रका मानिसहरूको सुरक्षा गर्न आफ्नो कर्तव्य रहेको अनि पश्चिम बंगालमा लकडाउनको नियम उल्लङ्घन गरिएको साथै राशन वितरणमा धाँधली भएको पनि सांसद विष्टले बताएका छन्। नमस्कार। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार आए दिन ओपोजिशन पे ये आरोप लगाती है कि हम राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, हम राजनीति नहीं, हम आम जनता की चौकीदारी कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में आए दिन जिस तरह से आम जनता पे जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसे उजागर करना यह हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है और हम उसका पालन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में आप देखिए आए दिन लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है और जो राशन वितरण हो रहा है उसमें आम जनता से भेदभाव हो रहा है, उसमें बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल की सरकार आए दिन जिस तरह से कोविड-19 की आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रही है, इससे आज पूरा देश भली भांति परिचित है। और हाल ही में जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया वो इस बात की पुष्टि करता है। और इसके बावजूद भी अगर टीएमसी के नेता हमें ये आरोप लगाते हैं तो हमें ये आरोप स्वीकार है। जय हिंद, जय भारत।